नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। रामनवमी 10 अप्रैल को सुबह 1:24 से शुरू होकर 11 अप्रैल को सुबह 3:15 तक रहेगी। इस साल रामनवमी पर सुकर्मा और धृति योग बन रहे हैं। सुकर्मा योग 11 अप्रैल को दोपहर 12:04 तक रहेगा, इसके बाद धृति योग शुरू होगा। साथ ही आपको बता दें कि रामनवमी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:48 तक रहेगा। वहीं गोधुली मुहूर्त शाम 6:31 से 6:55 तक रहेगा। ऐसे में रामनवमी पर हवन का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत से यानी कि 11:57 से गोधुली मुहूर्त के अंत तक यानी कि 6:55 तक रहेगा। इस बीच आप कभी भी हवन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं रामनवमी पर हवन सामग्री क्या है। रामनवमी पर हवन सामग्री में नीम, पंचमेवा, जटा वाला नारियल, गोला, जौ, आम की लकड़ी, गुलर की छाल, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, मुलेठी की जड़, कपूर, तिल, चावल, लौंग, गाय का घी, इलायची, शक्कर, नवग्रह की लकड़ी, आम के पत्ते, पीपल का तना, छाल, बेल आदि शामिल करें। रामनवमी के दिन व्रती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद हवन के साथ साफ सुथरे स्थान पर हवन कुंड का निर्माण करें। अब गंगा जल का छिड़काव कर सभी देवताओं का आवाहन करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी और कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें। बता दें कि गाय के गोबर से बने उपलों को घी में डुबोकर हवन कुंड में डाला जाता है। इसके बाद हवन कुंड में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति डालें। सर्वप्रथम ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। सबसे अंत में ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुति स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरार्थकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु स्वाहा। इसके बाद ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व स्वार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद नारियल के गोले में लाल कपड़ा या कलावा लपेट लें। फिर सुपारी पान बताशा पूरी खीर और अन्य प्रसाद को भी हवन कुंड के बीच में स्थापित करें। साथ ही पूर्ण आहुति मंत्र का भी उच्चारण करें। ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पुण्य मुदच्यते पुनस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेल विशिष्यते स्वाहा। ध्यान रहे कि हवन कुंड में कम से कम 108 बार आहुति जरूर डालनी चाहिए। हवन समाप्त होने के बाद भगवान राम और माता सीता की आरती जरूर उतारें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।